हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम आए हैं कवर्ड कैंपस में नए बन रहे डुप्लेक्स देखने। हालांकि डुप्लेक्स तो ऑलमोस्ट पूरे रेडी हो चुके हैं, बस फिनिशिंग का काम इनमें बचा है। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दो डुप्लेक्स एडजॉइनिंग, दोनों डुप्लेक्स एक साथ बन रहे थे। और मैं आपको अब एक डुप्लेक्स चल के अंदर से दिखा देता हूँ। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला डुप्लेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, 1300 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे 4 BHK डुप्लेक्स ही बना हुआ है। और आप देख रहे हैं सामने 25 फीट चौड़ी रोड है, उसके बाद 3 फीट का स्पेस छोड़ा गया है जो आपका गार्डनिंग वगैरह और पार्किंग का आपको रैंप दिख रहा है। बहुत ही डिसेंट सा इसका एलिवेशन दिया गया है, बोल सकते हैं एकदम सिंपल सुपर रखा गया है। पार्किंग में जाने के लिए जैसे कि 4 व्हीलर भी चले जाए तो आप रैंप देख रहे हैं, बीच में स्टेयर्स दिए हैं। अंदर जैसे ही आएंगे हम पार्किंग के एरिया में तो एक अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको। ये मैं आपको पूरा इसका स्पेस दिखा देता हूँ, फ्लोर स्पेस देख रहे हैं आप इस वक्त। और पूरे मकान में फॉल सीलिंग का काम किया गया है। इनर वॉल भी आप देख रहे हैं रस्टिक पेंट किया गया है इसमें पूरा, क्योंकि रस्टिक पेंट थोड़ा थिक होता है तो इससे दीवारों की क्वालिटी और बढ़ जाती है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं रूफ पे पूरी, और लाइटिंग का काम अंदर ही है फॉल सीलिंग में। साइड में करीब 4.5 फीट की स्पेस है ड्राइंग एरिया और मेन डुप्लेक्स की वॉल के बीच में। यहाँ पे आप अपना 2 व्हीलर खड़ा कर सकते हैं या अपनी सिटिंग के हिसाब से स्पेस बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पोर्च के एरिया में काफी स्पेस निकल आई है। और आप इस वक्त देख रहे हैं 2 गेट दिख रहे हैं, एक ड्राइंग एरिया में और एक आपकी सेकंड एंट्री भी है। ड्राइंग एरिया में आपको दिख रहा है मेन एंट्रेंस गेट और एक अच्छी बड़ी विंडो दी है। तो अब हम चलेंगे अपने मेन एंट्रेंस से अंदर, और अंदर आते ही आप देखेंगे एक बहुत अच्छा बड़ा ड्राइंग एरिया का व्यू दिख रहा है पूरा हमारा। चारों तरफ से मैं आपको इसका स्पेस दिखा देता हूँ। फ्लोर स्पेस देख रहे हैं हम, डबल चार्ज बैटरी फाइड टाइल्स लगाई गई हैं इसमें। और ऊपर भी देखेंगे फॉल सीलिंग पे बहुत सुंदर सिंपल सुबर काम किया गया है। और ये मैं आपको विंडो और एंट्रेंस गेट एक बार दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ। ईस्ट फेसिंग डुप्लेक्स है तो अच्छी सुबह की धूप आती है यहाँ पर। और स्पेस का यूटिलाइजेशन इतने अच्छे से किया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं ये कहीं से भी कोई कंजूसी की है बिल्डर ने इसमें। अब जैसे आप ये एरिया ही देख लीजिए, स्टेयर्स का पोर्शन भी कितना खुला हुआ लग रहा है। नॉर्मली वरना डुप्लेक्स में काफी कंजेस्टेड हो जाता है ये एरिया। और ड्राइंग एरिया से व्यू दिख रहा है हमारे बेडरूम का और किचन का। तो पहले हम चलेंगे अपने किचन के स्पेस में और उसका मुआयना करते हैं। और भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूँ कि किचन का एरिया देख के आपका दिल ही खुश हो जाएगा। 10x12 का ये किचन का स्पेस है पूरा। यू शेप में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पूरा मॉडुलर किचन है। और वॉल टाइल्स देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। ऊपर फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी की हुई है एकदम सिंपल, और लाइटिंग उसमें सोने पे सुहागा लग रहा है। तो मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, पूरा यू शेप में प्लेटफॉर्म दिया है, तीनों वॉल कवर की गई है। ऊपर भी एल शेप में पूरे केबिन्स बने हुए हैं, बीच में चिमनी दी है। और मॉडुलर में आप माइका के कलर देखिए, माइका के शेड्स वॉल टाइप से मैचिंग और एकदम सिंपल सोबर, इस कारण ये और उभर के आ रहा है और अच्छा लग रहा है। किचन में वेंटिलेशन के हिसाब से एक अच्छी बड़ी विंडो दी है, और ऊपर एग्जॉस्ट के लिए भी स्पेस है, यहाँ आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगवा सकते हैं। और इसी के साइड में आएगा हमारा पीछे वॉश एरिया का गेट। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ वॉश एरिया का पूरा स्पेस, क्योंकि वॉश एरिया में आपका पूरा पानी का काम होता है तो इसलिए यहाँ दी गई है एंटी स्किड टाइल्स। ऊपर 6 फीट के हाइट तक पूरी वॉल टाइल्स लगी हुई है। और ये आप स्पेस देखिए, यहाँ पर भी एक सिंक इंस्टॉल करके दिए, जिससे कि अगर आप सर्वेंट से चाहें बर्तन वगैरह बाहर धुलवाना तो वो भी यहाँ हो सकता है। वुडन पैनलिंग की गई है गेट पे और विंडोज पे पूरी। ये मैं आपको साइड की विंडो दिखा देता हूँ, ये हमारे फर्स्ट बेडरूम की विंडो है। एक बार फिर से वापस चलते हैं अपने किचन के अंदर। और मैंने 3 साइड से आपको प्लेटफॉर्म वाला एरिया तो दिखा दिया था, ये फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ऊपर एक बार फॉल सीलिंग का भी स्पेस दिखा देता हूँ, और इसके सामने की वॉल दिखाता हूँ, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। तो प्लेटफॉर्म के एंगल से कुछ ऐसी दिखेगी ये वॉल हमारी, और यहाँ से फ्लोर स्पेस। तो सर, किचन मॉडुलर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, कलर शेड्स बहुत अच्छे यूज किए गए हैं और स्पेशियस है। तो मेरे ख्याल से आधी प्रॉब्लम तो हमारी यहीं सॉल्व हो गई डिसीजन लेने की। और किचन के एंगल से कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमारे ड्राइंग एरिया का व्यू। पूरा फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है इसलिए बार बार दिखाने का मन हो रहा है। इसके साइड में स्टेयर्स का पोर्शन तो मैंने आपको दिखाया ही था पहले, काफी स्पेस निकली है यहाँ पर भी। और ये दोबारा से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बगल में हमारा सेकंड एंट्रेंस जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था वो दिख रहा है। तो यहाँ हम जैसे ही आएंगे ये वापस से आ गया हमारा पार्किंग का एरिया। तो बेसिकली डुप्लेक्स में अंदर एंटर होने के लिए आपके 2 एंट्रेंस हो गए हैं, एक ड्राइंग एरिया का और एक ये सेकंड एंट्रेंस। और इसी के साइड में हमारा मेन ग्राउंड फ्लोर का कॉमन वॉशरूम है। अब आप देखिए कॉमन वॉशरूम के हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस निकल आया है इसमें। और इसको मैं अच्छा स्पेस क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें भी आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग रूफ लाइटिंग के साथ की हुई है पूरी। और इसके ठीक सामने आपको दिख रहा है हमारे ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम का एंट्रेंस गेट। तो चलिए हम चलते हैं अपने बेडरूम में।
और ये एरिया भी आप देखिए सर। जैसा कि मैंने डुप्लेक्स में एंटर करते हुए आपको शुरुआत में बताया था, डुप्लेक्स में हर एक जगह आपको एकदम स्पेशियस खुली हुई हवादार लगेगी। अब मैं आपको एक बार बेडरूम की चारों वॉल दिखा देता हूँ। ऊपर रूफ का स्पेस देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई है फॉल सीलिंग में। बेडरूम की एक वॉल पे आपको दिख रहा है एंट्रेंस गेट और इसके अपोजिट वॉल में विंडो दी हुई है अच्छी बड़ी, जो हमारे वॉश एरिया में ओपन होती है तो अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है इससे। और इसी वॉल पे साइड में आपको मिलेगा बेडरूम से अटैच वॉशरूम। तो इसी कारण मैं आपको कह रहा था कि आपके कॉमन वॉशरूम में अच्छी सफिशियंट स्पेस है, क्योंकि अटैच बाथरूम भी है इसमें। और इस बाथरूम में भी आप देखेंगे अच्छी सफिशियंट स्पेस निकल आई है। तो ये एक बहुत खास बात है कि ग्राउंड फ्लोर पे दो वॉशरूम हो गए हमारे इसमें, एक बेडरूम से अटैच और एक कॉमन। ये वापस से आपको दूसरे एंगल से मैं एक बार बेडरूम का पूरा स्पेस दिखा देता हूँ। फ्लोर टू रूफ का स्पेस है और अब हमारा फाइनली इसी के साथ ग्राउंड फ्लोर लगभग पूरा कवर हो गया है और हम यहाँ से चलेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो सर हम आ गए अपने बेडरूम के बाहर और यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस डुप्लेक्स में दो एंट्रेंस हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस जो ड्राइंग एरिया में ओपन होता है और राइट हैंड साइड में हमारा सेकेंड एंट्रेंस दिख रहा है। और इसी तरफ है हमारा स्टेयर्स पोर्शन जो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। तो चलिए हम स्टेयर्स को देख लेते हैं एक बार। दोस्तों 3.5 फीट की सीढ़ियों की चौड़ाई है। साइड में आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील से पूरा रेलिंग का काम किया गया है और यू शेप में पूरी स्टेयर्स है हमारी ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस कारण आप देखेंगे हर 3-4 स्टेप्स के बाद ऐसा बीच में एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको और सीढ़ियों की हाइट भी बहुत कम रहती है, जिससे कि ये चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। और इसी के साथ हम पहुंच गए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। तो स्टेयर से ऊपर आते ही आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे एक अच्छी कॉमन लॉबी स्पेस दी है, करीब 10x15 का ये स्पेस है। फॉल सीलिंग तो पूरे हर एक एरिया में की गई है डुप्लेक्स में। एक मास्टर बेडरूम आगे आएगा और दो बेडरूम पीछे तरफ आएंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने पीछे तरफ के ही फर्स्ट बेडरूम में, यानी डुप्लेक्स के सेकंड बेडरूम में। जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे अपना बेडरूम देखा था, इसकी पोजीशन ठीक उसके ऊपर है, यानी डायमेंशन वाइज ये एग्जैक्ट उतना ही आएगा जितना ग्राउंड फ्लोर का डुप्लेक्स था। और बाथरूम भी वहीं पर ही दिया है जहाँ ग्राउंड फ्लोर में था। पहले मैं आपको विंडो से बाहर की स्पेस दिखा देता हूँ, क्योंकि पीछे हमारा वॉश एरिया है और उसके पीछे आप देख रहे हैं जो कैंपस है उसकी 30 फीट की रोड गई है, तो काफ़ी गैप है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा इस कारण। चारों तरफ से आप वॉल देख लीजिए बेडरूम की, ऊपर फॉल सीलिंग देख रहे हैं अच्छी। फ्लोर का स्पेस देख लीजिए एक बार, करीब 10x15 का ये बेडरूम साइज था, जैसा कि मैंने आपको नीचे भी बताया था। और अब इस बेडरूम से अटैच मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। इसका भी सेम वही साइज है जो ग्राउंड फ्लोर वाले बाथरूम का था। अच्छे लाइट कलर के शेड्स की इसमें फ्लोरिंग और वॉल टाइल्स लगी हैं, जिससे कि काफ़ी खुला हुआ दिख रहा है। ऊपर एग्जॉस्ट का पोर्शन आप देख रहे हैं। और आपने ध्यान दिया हो तो पूरे डुप्लेक्स के हर एक एरिया में अभी तक हमने दो बेडरूम देखे, किचन देखा, ड्राइंग एरिया देखा, सब जगह क्रॉस वेंटिलेशन बन रहा है इसमें। ये फिर से मैं आपको बेडरूम का स्पेस दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकेंड बेडरूम हो गया डुप्लेक्स का। और अब हम यहाँ से चलेंगे अपने तीसरे बेडरूम में। तो दोस्तों दोनों बेडरूम की तरह इस बेडरूम में भी गेट के ठीक सामने आएगा विंडो का स्पेस, तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। फ्लोर का स्पेस देख लीजिए आप एक बार, इससे आपको एरिया का अच्छा आइडिया हो जाता है। और अब मैं विंडो से आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये व्यू ठीक वैसे ही आएगा जैसे सेकेंड बेडरूम की विंडो से आ रहा था। बीच में 40-45 फीट का गैप है, जिसके कारण आपको सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा। साथ में अटैच है बाथरूम, बाथरूम का स्पेस देख लीजिए। वॉल टाइल सेम वैसी यूज़ की गई है जैसे सेकेंड बेडरूम में थी, पर स्पेस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में देखे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी तो समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों एग्जैक्ट 1312 स्क्वायर फीट के प्लॉट में 4 BHK बना हुआ है, पूरा खुला और हवादार है और ओनर की डिमांड बहुत वाजिब है इसमें। तो यदि आपको ये डुप्लेक्स पसंद आ रहा हो ना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं साइट विजिट लिए। और इसी के साथ हम आ गए अपने फोर्थ बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में। और ये इस डुप्लेक्स का मास्टर बेडरूम दो कारणों से है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा बेडरूम है इस डुप्लेक्स का, और दूसरा इसमें बाथरूम के साथ साथ बालकनी भी अटैच है। पहले आप देख लीजिए पूरा फ्लोर और रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको। चारों तरफ से पूरा वॉल दिखा देता हूँ। एक अच्छी बड़ी फ्रेंच डोर दी है इसमें जो बालकनी में ओपन होती है, और उसके साथ ही सामने गेट दिख रहा है हमको। तो गेट से चल के पहले अपना बालकनी का पूरा स्पेस देख लेते हैं। अच्छा, बालकनी भी आप इसमें देखेंगे तो एल शेप में है पूरी। बेडरूम के सामने आएगी 4 फीट की बालकनी की स्पेस। सामने आप देख रहे हैं SS की रेलिंग से पूरा काम किया गया है।
ये मैं आपको ऐसे इसकी रेलिंग दिखा रहा हूँ, और इसके साइड में यानी बेडरूम के साइड में ये वाली स्पेस देखिए आप, ये बहुत अच्छी सिटिंग स्पेस है, पूरा लॉन्ज एरिया बना सकते हैं आप इसको अच्छे से प्रॉपरली डिज़ाइन करके, और सामने आपका व्यू। तो मैं आपको इस बालकनी का पूरा ग्राउंड टू फ्लोर का स्पेस दिखा देता हूँ। पहले ऊपर अच्छी फॉल सीलिंग वर्क किया हुआ है, लाइटिंग फॉल सीलिंग में ही है, और ये भी अच्छी एक खासियत हो गई इसमें कि फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम बनाने के बावजूद इतनी बड़ी बालकनी की स्पेस निकल आई है। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि मकान में जितनी खुली स्पेस निकल आए रहने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। बल्कि मैंने पहले कुछ ऐसे भी वीडियो पोस्ट किए हैं डुप्लेक्सेस के, जिसमें यदि आप अपने ही प्लॉट एरिया में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें तो आप विला का लुक दे सकते हैं उसको। और ये आप देख रहे हैं मास्टर बेडरूम से अटैच बाथरूम का एरिया, स्पेस तो इसका भी अच्छा है पर मास्टर बेडरूम के हिसाब से चौड़ाई थोड़ी सी कम लग रही है मुझे इसमें। बहरहाल अब जो भी है यही है आपके सामने। तो दोस्तों इसी के साथ हो गया ये हमारा फर्स्ट फ्लोर भी पूरा कंप्लीट, और हम चारों बेडरूम देख चुके हैं अपने डुप्लेक्सेस के, मास्टर बेडरूम का एक फाइनल लुक। और अब वापस चलते हैं स्टेयर्स की तरफ अपने ममटी पोर्शन में यानी अपने छत पे। तो दोस्तों हम आ गए अपने ममटी के पोर्शन में यानी स्टेयर्स की जो टावर रहता है उसके स्लैब एरिया में, और यहाँ पर भी एक अच्छी बड़ी विंडो दी है जिससे कि सीढ़ियों के एरिया में भी अच्छी हवा रोशनी बनी रहे, और छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस भी दिया है यहाँ पर। और छत पे चल के मैं अब इसको फाइनली कंक्लूड कर देता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बावड़िया के क्षेत्र में न्यू कंस्ट्रक्शन में इतने बड़े प्लॉट एरिया पे 4 BHK डुप्लेक्स आपको 90 लाख के रेट में नहीं मिल पाएगा जो ओनर की इसमें डिमांड है, और उसमें भी वो थोड़ी बहुत गुंजाइश कर सकते हैं यदि आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो। लोनेबल प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, यदि आप बैंक फाइनेंस चाहेंगे तो वो सुविधा भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं फाइनल करने से पहले तो नंबर मेरा नीचे आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। ये पूरा मैं आपको कैंपस का व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ से, अच्छा खुला हुआ शांत वातावरण है, चारों तरफ कैंपस बने हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, तरफ से आप और आपका परिवार कम्प्लीटली सिक्योर्ड है यहाँ पर, तो बेझिझक होकर आप ये मकान ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियोस और प्रॉपर्टी पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी पोस्ट करता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।